पहले दो नॉमिनेशन में मुझे अवार्ड नहीं मिला तो मैंने अपना एक्सेप्टेंस स्पीच जो पर्ची थी वो फाड़ दिया था, तो अब जो भी बोलूंगा वो एक्सटेम्पोरी बोल पाऊंगा। सबसे पहले शुक्रिया की तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया अपनी वाइफ का करूंगा। लॉकडाउन का जमाना है, घर में ही रहना है। उसके आगे मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और मुझे लगता है कि दो मिनट मिले हैं, सबने बहुत कम बोला है, मैं थोड़ा ज्यादा बोलना चाहता हूँ, उस दो मिनट का पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, ये अवार्ड मिलना ना मिलना मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। यस, एक यादगार चीज होती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से अवार्ड मिलना बहुत अहम है, और वो हम सब का एक सपना था कई सालों से। SWA टीम से मैं जुड़ा भी रहा और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा। पिछले 6-7 साल से अंजुम रजबअली साहब हों, रॉबिन दा हों, विनोद रंगनाथन हों, सब लोग कोशिश कर रहे थे कि अपना अवार्ड शुरू हो, और ये किसी न किसी तरह इस बार इस पूरी टीम ने इस चीज को किया। और लॉकडाउन के बावजूद और इस 2020 की ट्रेजेडी के बावजूद हम ये कर पा रहे हैं, इस बात की सबसे ज्यादा मुझे खुशी है। क्योंकि पिछले कई सालों में मैंने आज तक कभी अपनी स्क्रिप्ट हो या मतलब लिरिक्स हो कभी नॉमिनेशन में भेजा नहीं, टीवी या आईटा अवार्ड हो या कोई भी अवार्ड हो, उसमें ये पहली बार है जिसमें मैंने भेजा। बिकॉज मुझे ये मालूम था कि यहाँ पे एक ऐसी ज्यूरी इसको जज करेगी जो हिट और फ्लॉप के पैमाने पे नहीं करेगी, आपके काम आपके कंटेंट के बेस पे करेगी, और मेरे पीयर्स करेंगे, मेरे अपने कंटेम्प्रेरी या सीनियर्स और जो जानते हैं इस क्राफ्ट को वो करेंगे। उसमें हार जीत जो भी होगी वो दिल से मंजूर है। तो मैं सबसे ज्यादा जो बड़ा एक शुक्रगुजार हूँ SWA का, जिसने ये अवार्ड शुरू किया, ये पूरी टीम को मुबारकबाद। और एक चीज का मुझे जरा दुख रहा कि टीवी के लिए स्टोरी के लिए जब ड्रामा में जब उसको किसी को नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन वो डिबेट बाद के लिए है। ये कितना अच्छा मौका है कि इसमें मैं कोई शिकायत या कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहता हूँ। वी ऑल शुड सेलिब्रेट दिस मोमेंट एंड थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, उसका नाम खुर्शीद था, खुर्शीद है, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अवार्ड लूं और वो इस फंक्शन को अटेंड करे। वो नहीं रहा, शायद उसने जाने में जल्दी कर दी या मैंने अवार्ड पाने में देर कर दी। बहरहाल ये अवार्ड उसके नाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।